न्यूज चैनल आज तक के कंसल्टेंट एडिटर और गोदी मीडिया के सरताज सुधीर चौधरी के लिए कर्नाटक की जेल सज चुकी है। कर्नाटक पुलिस किसी भी वक्त सुधीर चौधरी को गिरफ्तार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक पुलिस सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए बेंगलुरु से निकल भी चुकी है। बता दें कि सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने FIR दर्ज की है। सुधीर चौधरी पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने न्यूज चैनल पर अपने शो के दौरान हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की साजिश रचने का काम किया है। हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के इल्जाम में सुधीर चौधरी के खिलाफ बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम थाने में IPC की कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। सभी धाराएं गैर जमानती हैं, यानी इस बार सुधीर चौधरी का बचना मुमकिन नहीं लग रहा है और उनकी गिरफ्तारी की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के सहायक प्रशासक शिव कुमार की शिकायत पर बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम थाने में सुधीर चौधरी के खिलाफ ही नहीं बल्कि उनके चैनल आज तक के खिलाफ भी IPC की धारा 505 और 153A के तहत FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक 11 सितंबर को अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार एक ऐसी स्कीम चला रही है जिसका फायदा सिर्फ मुसलमानों को मिलता है, हिंदुओं का इसका फायदा नहीं मिलता है। कर्नाटक सरकार राज्य में मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। अपने शो में सुधीर चौधरी ने यह दावा भी किया कि इसमें हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की खबरें दिखाकर हिंदुओं और दूसरे धर्मों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। यह अशांति का माहौल बनाने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का भी प्रयास है। इस तरह की बेबुनियाद खबरें दिखाकर वो कर्नाटक में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सुधीर चौधरी और आज तक ने गलत और झूठी खबर दिखाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की है। जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से मीडिया यही काम कर रहा है। कर्नाटक सरकार की जिस स्कीम को सुधीर चौधरी ने हिंदू विरोधी बताया है वो स्कीम कांग्रेस सरकार ने शुरू ही नहीं किया है बल्कि इसके स्कीम को BJP की सरकार ने शुरू किया था। सुधीर चौधरी को तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत को बढ़ावा देने में महारत हासिल है लेकिन इस बार उनका पासा गलत बैठ गया है। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पार्टी गोदी मीडिया और उसके नफरती न्यूज एंकर्स के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। कर्नाटक में इसका क्रेडिट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे को जाता है जिन्होंने देश में सबसे पहली बार RSS और बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। प्रियांक खड़गे के निर्देश पर ही सुधीर चौधरी और आज तक चैनल पर केस दर्ज हुआ और कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। वैसे अगर सुधीर चौधरी गिरफ्तार होते हैं तो ये पहली बार नहीं होगा। सुधीर चौधरी पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं इसलिए कुछ लोग आज भी उन्हें तिहाड़ी कहते हैं। आपको याद होगा कि जिंदल से सुधीर चौधरी ने खबर नहीं चलाने के एवज में 100 करोड़ रुपए मांगे थे। जिंदल ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था जिसके बाद सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में सुधीर चौधरी को काफी दिन तक दिल्ली के मशहूर तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। इस बीच ये जानकारी भी आ रही है कि जेल जाने से बचने के लिए सुधीर चौधरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मतलब साफ है कि सुधीर चौधरी डर गए हैं, उन्हें गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। दूसरों को जिहादी और भारत विरोधी बताने वाले का गला भी डर से सूखने लगा है।